नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी तारापुर अनुमंडल में हूँ। अभी यहाँ पे चंदन जी आए थे नॉमिनेशन के लिए, अपना फॉर्म भरने के लिए, पर उन्हें आज नहीं कल की अनुमति दे दी गई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बोला है। हमारे साथ चंदन सिंह है जिनको लोजपा से टिकट मिलाई है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं फिर जीतने के लिए। उसके लिए जिलाध्यक्ष जी हम जवाब देंगे। ठीक है, बताइए। जी, जैसा आपने सवाल किया, यह सवाल तो उचित नहीं है। जबकि जानते हैं हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र का तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, तो हमारी यहाँ जनाधार है, हमारा यहाँ समर्थक है, हमारा हमने विकास किया है, इसलिए हमको तो यहाँ चुनाव लड़ना ही था। और हम चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए आए हैं, वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। पर सर, जेडीयू का कहना है कि वह पार्टी सिर्फ हमें नुकसान कराने के लिए वह इस चुनाव में खड़ा हो रही है। कोई भी पार्टी जो प्रत्याशी होता है वो जीतने को होता है। जदयू तो क्या कर रही है तो दुनिया जान रही है। अगर जदयू को इतना मजबूती था, इतना उनको घमंड है, तो ये तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में क्यों बन गई? जदयू से पूछिए इस बात को। हम तो मजबूती से, हमारा संसदीय क्षेत्र है, उसके विधानसभा क्षेत्र है, मजबूती से खड़ा है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ने आवाज दिया, आम आवाम की आवाज हुई। लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ प्रत्याशी के रूप में है और चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रत्याशी कुमार चंदन जी हैं और युवा हैं। चंद्र जी का यहाँ पे ननिहाल भी है, सुने हैं यहीं से वो राजनीति का पाठ पढ़े हैं, क्या उसकी उनकी पकड़ है इस क्षेत्र में? देखिए, राजनीति की पाठ तो राजनीतिक पार्टियां से स्टार्ट होती है। इन हर किसी का, लोग का संबंधी परिवार रिश्तेदार होते ही हैं। तो चंदन जी के यहाँ क्या, हर जगह कहीं उनके ननिहाल हैं, मामा हैं, बहन हैं, फुआ हैं, साथी हैं, पूरे बिहार में, पूरे मुंगेर जिला में, जमुई जिला में, तारापुर में कई संबंधी है इनका है, रहेंगे भी। क्या वे वोट बैंक में बदल सकते हैं? जी जी, एकदम। हम लोगों ने विकास किए हैं, आजकल लोग विकास की ओर देखते हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास करने का काम किए हैं। हमारे सांसद जी विकास करने का काम किए हैं, तो विकास लोग चाहते हैं। इस विकास के तहत वोट में तब्दील होगी और हम लोग जीतेंगे। आइए हम चंदन जी से बात करते हैं। बताइए सर, अपना विजन बताइए। 2021 का जो उपचुनाव होने जा रहा है तारापुर से, हमारा विजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, तो हमें तारापुर जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा है, इसको हमको बिहार में अव्वल दर्जे पे लाना है। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जैसे कि स्वास्थ्य में यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे यातायात में बहुत सारा दिक्कत है, मतलब स्कूल कॉलेज में भी यहाँ पे बहुत सारा अभी भी पिछड़ा है, जबकि और जगह के मुकाबले तारापुर तो पिछड़ा है। तो इसको हम लोग हर एक चीज से आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले चिराग पासवान जी से मिले थे वो एसटीसी के छात्रों के बीच, उन्होंने बोला कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार ने बिहारियों का भविष्य खत्म कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार जी कभी भी बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। नीतीश कुमार जी का बस एक ही काम रहता है, तोड़ जोड़ की राजनीति करना, कैसे उनकी कुर्सी बची रहे, बस उसी के लिए वो जाने जाते हैं। वो मतलब डेवलपमेंट बिहार में कैसे हो ये नहीं जानते हैं वो। आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में आप जीत पाइएगा? आपका क्या कॉन्फिडेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? अगर पूरे बिहार में अगर जदयू को कोई अवकाश बताएगा तो वो तारापुर विधानसभा बताएगा, वैसे समय बताएगा, आप इंतजार कीजिए। तो आप देख सकते हैं चंदन जी का कहना है कि जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन होती है और जेडीयू को असली अवकाश तारापुर से ही पता चलेगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार। जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा, उन्होंने बोला है कि तारापुर की जनता ही यहां पर जेडीयू को सबक सिखाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।